नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बिल्डिंग की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सोमवार को संयुक्त वाल्मीकि श्रमिक संघ द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में शामिल हुए हैं, जहां उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने नगरीय निकायों में होने वाली करीब 24,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती में सफाई कर्मियों की मांगों और सुझावों के अनुरूप संशोधन कर नियमों का सरलीकरण किया है। लॉटरी के माध्यम से पारदर्शी तरीके से भर्ती का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई कर्मियों को उनका ये हक पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने इन भर्तियों को अटकाने, लटकाने और भटकाने का काम किया है। और इससे पहले भी 2018 में हमारी ही सरकार ने 21,000 से अधिक पदों पर सफाई कर्मियों की भर्ती की थी। राजधानी जयपुर में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि सफाई कर्मियों की राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका है और वे हमें बीमारियों और गंदगी से बचाकर स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता और जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री शर्मा सोमवार को संयुक्त वाल्मीकि श्रमिक संघ द्वारा आयोजित स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। पूर्व मंत्री, मालवीय नगर से विधायक सम्मानीय कालीचरण जी सराफ साहब, हमारे आदर्श नगर के प्रत्याशी भाई रवि नैयर जी, हमारी महापौर ग्रेटर नगर निगम की श्रीमती सौम्या गुर्जर जी, महापौर हेरिटेज श्रीमती कुसुम यादव जी, हमारे उपमहापौर ग्रेटर पुनीत कर्णावत जी, श्री अमरचंद जी बिश्नोई साहब, सुनील जी महाराज जी, अध्यक्ष संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रम संघ नंदकिशोर जी डडोरिया साहब, पूर्व प्रधान सुरेश कल्याणी जी, पूर्व प्रधान शिवचरण डंडोतिया जी, डॉक्टर कैलाश किशन लोहरा जी प्रदेश अध्यक्ष सफाई यूनियन, महेश वाल्मीकि जी सरपंच सत्यनारायण जी राष्ट्रीय अध्यक्ष सफाई यूनियन, चरणदास जी महाराज, बाबूलाल राणा जी अध्यक्ष राणा समाज, मनोज चौहान जी महामंत्री सफाई यूनियन, राजकुमार सिरसैया जी रेलवे यूनियन कोटा, विकास नरवाल जी, अमरचंद कोठारी जी, कमलचंद जी, हमारे कृष्णमोहन जी महामंत्री, कुलवन जी और मंच पर विराजमान सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। ये कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है कि आप लोग काफी समय से मेरे को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए, सम्मान करने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग जिस तरह से समाज सेवा का काम करते हैं, आप अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों का सम्मान करना चाहिए। मित्रों, क्योंकि अगर इस देश के अंदर अगर बीमारी को दूर रखना है, स्वस्थ रहना है, तो सफाई बहुत आवश्यक होती है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ किया था और वो पूरे देश के अंदर यह जन जन का अभियान बन गया है।
और इस अभियान के द्वारा मैं कह सकता हूं कि उन बीमारियों से और गंदगी से बचाने का काम मेरे राष्ट्र निर्माण में ही योगदान अगर किसी का है तो वो सबसे पहले आप लोगों का है, आप लोगों का है। और आपने देखा होगा, माननीय कालीचरण जी सर आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का और वाल्मीकि समाज का ये नाता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज 21 अक्टूबर है और ये 21 अक्टूबर ये जनसंघ की स्थापना का दिवस है, जब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के नाम से एक राष्ट्रीय दल बना था। आज 21 अक्टूबर 1951 को, आज को 21 अक्टूबर है और उस समय भी वाल्मीकि समाज का बहुत बड़ा योगदान था। उस कार्यकारिणी में हमारे वाल्मीकि समाज के भाई थे और उन्होंने देश के निर्माण के लिए, देश के विकास के लिए काम किया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने जो एक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे जो प्रण लिया था, उस प्रण को आगे बढ़ाने का काम किया कि ना गंदगी करने देंगे, ना गंदगी करेंगे और हम स्वच्छता के बाद वातावरण बनाते हुए देश के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को स्वस्थ रखेंगे, मस्त रखेंगे। उस काम को आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और ये जन आंदोलन का रूप ले लिया और एक पूरे देश के अंदर ये हमारा सफाई अभियान जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया, ये जन आंदोलन बन गया और इसको पूरे देश के अंदर अपार समर्थन भी मिला है। देश में स्वच्छता की संस्कृति के विकास के लिए हम सब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं। और आपने देखा होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इलाहाबाद के अंदर कुंभ लगा था और कुंभ के अंदर 25 करोड़ लोग आए थे और उस कुंभ के समापन के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे सभी वाल्मीकि भाई उन सफाई कर्मियों को स्वागत और सम्मान किया था, उनके चरण पखार करके उनको सम्मान देने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों को कि हम सब इस बात को जानते हैं कि देश के निर्माण में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान है तो वो हमारा वाल्मीकि समाज है, हमारा वाल्मीकि। और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारा यह समाज दिन रात मेहनत करके देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, समाज में आगे आकर के जिस तरह का काम कर रहा है वो आपके सामने है। मैं कहना चाहता हूं कि आप हमेशा जिस तरह से काम करते हैं और यह समाज हर काम में आगे रहता है, और मैं कहना चाहता हूं आप तो शहर में रहते हैं लेकिन मेरे गांव के भाई भी यहां बैठे होंगे, गांव से जो आते हैं, अगर गांव में सबसे पहले अगर बुलाया जाता है, सबसे पहले सम्मान किया जाता है तो मेरे वाल्मीकि भाई का किया जाता है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति है। और उस संस्कृति में यह है कि हम हमारे हर भाई का सम्मान करते हुए उसे आगे बढ़ाने का काम करें। मैं हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भी याद करना चाहता हूं। मैं कल ही लंदन से आया हूं, मैं लंदन गया था, मैं बाबा साहब ने जो शिक्षा ग्रहण की थी, मैं उस स्थान पर गया था, किंग हेनरी रोड स्थित जो ऐतिहासिक अम्बेडकर हाउस है, मैं वहां गया था और मैंने वहां देखा कि बाबा साहब ने किस मेहनत के साथ वहां पढ़ाई की
और हमारे संविधान का निर्माण किया, आज हमारा देश बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल रहा है। मैंने जाकर के वहां उनके उस अध्ययन कक्ष में उनको पुष्पांजलि भी अर्पित की, मैंने उनका वो अध्ययन रूम भी देखा, और मैंने क्योंकि उसके पीछे जस्ट रेलवे स्टेशन था, मैं पीछे निकल करके देखा कि बाबा साहब वहां से जब रेलवे की गाड़ी आती थी तो उन लोगों ने मेरे को बताया कि बाबा साहब जब रेलवे की गाड़ी आती थी तो अपने पढ़ाई करने के लिए उससे रेलवे से जाते थे, रेलवे से आते थे, बिल्कुल नजदीक में स्टेशन है। और उन्होंने जिस तरह से देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया, देश के निर्माण में उनका योगदान है, मैं आज उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं। उनकी स्मृतियां जिस तरह से उसमें मैंने देखी, निश्चित रूप से मन प्रफुल्लित हो गया कि बाबा साहब ने यहां करके पढ़ाई की और देश का निर्माण करने में अपना सब कुछ उन्होंने दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि हमने जिस तरह से हमने हर तरह से हमारे सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती है, कांग्रेस के लोगों ने देखा, चुनाव आया, उनको सिर्फ चुनाव दिखता है। और मैं मेरे भाई और बहनों में कहना चाहता हूं, ये कोई भी चुनाव आए, इन कांग्रेस के लोगों को देख लेना, चुनाव आएगा कोई ना कोई इस तरह का सुपाका छोड़ेंगे, इस तरह की बात कहेंगे जो कभी वो ना पूरा कर सकते ना उन्होंने कभी पूरा किया। सबसे ज्यादा अगर देखा होगा जब भी चुनाव आते हैं झूठ और झूठ की बात करते हैं, कोई ना कोई नई अफवाह फैलाने का काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं उन्होंने चुनाव से कितने दिन पहले सफाई कर्मी की भर्ती निकाली, उसमें भी किस तरह का व्यवस्था की कि जो भर्ती हो ही नहीं पाए। मैं आपको कहना चाहता हूं हमने आपके माध्यम से जो आपने बताया, आपके लोगों ने जो हमें सहयोग किया, आपने कहा कि इस तरह से होनी चाहिए, हमने उसी आधार पर सफाई कर्मियों की भर्ती निकालने का काम। और मैं कहना चाहता हूं आने वाले समय में हमारे सभी सफाई कर्मचारी जो हमारी भर्ती प्रक्रिया है वो हमारी चल रही, इसके लिए सार्वजनिक सफाई व्यवस्था में कार्य अनुभव का आधार हमने रखा है और उसके आधार पर आवेदन कर सकते हैं, और हम लॉटरी के माध्यम से नगरीय निकाय सफाई कर्मचारियों का चयन करने वाले हैं, उसमें आपका चयन होने वाला है। इन भर्तियों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी भर्ती पहले भी हमारी सरकार ने 2018 में 21,000 पदों की भर्ती की थी और अभी हम 24,000 पदों की भर्ती भी हमारी सरकार कर रही है। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमेशा भाजपा की सरकार हमेशा सफाई कर्मियों के हित में काम करती है, हमेशा आपके हित में काम करती है। हमारी सरकार ने भर्तियों में आपकी मांगों के अनुरूप संशोधन कर नियमों का सरलीकरण भी किया है, लॉटरी के माध्यम से पारदर्शिता तरीके से पारदर्शी से भर्तियां करने का काम भी किया जाएगा। जबकि पिछली सरकार ने भर्तियों में क्या किया, उनमें तो पेपर लीक किए, लेकिन इसमें भी पेपर लीक जैसा ही किया था, इसमें भी पेपर लीक जैसा ही किया, हमारे युवाओं के साथ अन्याय करने का काम उन्होंने किया। और मैं कहना चाहता हूं हम जब उनसे कहते हैं ये सफाई कर्मी की भर्ती नहीं, आपने देखा होगा हमने 60,000 फोर्थ क्लास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती भी हमारे कैबिनेट में हमने निकाली है। हमने 90,000 भर्तियां, 60,000 वो 24,000 ये 7,000 भर्तियां हमारे ड्राइवरों की, हमने एक साथ 90,000 भर्तियों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कोई भी गांव, कोई भी ढाणी, कोई भी मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जिसमें युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं हम 5 वर्षों में हमने जैसा कहा है कि हम 5 साल में 4 लाख भर्तियां करेंगे, और हमने ये भी कहा है कि हम
प्राइवेट क्षेत्र में 6 लाख भर्ती करेंगे और पूरी भर्तियां 5 साल में 10 लाख करेंगे, 10 लाख करेंगे। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, वो कलम और डायरी साथ में रखें, हिसाब लगाते चलें कि हम कितनी भर्तियां निकाल रहे हैं और कितनी भर्तियां हम कर रहे हैं। क्योंकि हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जो भी हम कहते हैं पूरा करते हैं। और वही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कहते हैं वही करते हैं और करते हैं वही कहते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, आज मैं सुन रहा था कांग्रेस के लोगों की पीसी चल रही थी, वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बाहर जा रहे हैं, एक पैसा नहीं लाए। अरे भाई, पैसे की कोई वहां से है, कोई बोरी में या कट्टे में भर के आएंगे क्या है? आप बताइए, 15 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए, आपको दिख नहीं रहे क्या? कितना बड़ा काम हुआ है और अभी 2 महीने बाकी है। ये तो 2 महीने पहले, अभी हमारा राजनीतिक राजस्थान तो 9-10-11 दिसंबर को है, कितना आएगा मालूम पड़ जाएगा। क्यों चिंता कर रहे हो? आप लिखते जाइए, आपकी तरह नहीं है कि दिन में कुछ बोलते हो रात में कुछ बोलते हो। चुनाव आते हैं तो क्या वादा करते हो, चुनाव निकलने के बाद क्या वादा करते हो? ये देश की जनता जान चुकी है कि आप क्या करते हैं, इसलिए आपको कहां बैठाया है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा, हमने पहली बार 2 साल का कैलेंडर भी हमने निकाला। हमारे युवा साथी वो मेहनत करना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, वो नौकरी लगना चाहते हैं। हमने कहा उस कैलेंडर को निकालिए, कितनी पेपर भर्ती कब कब होगी, कब कब पेपर होने वाले हैं, हमने पूरा कैलेंडर निकालने का काम किया है। हमारे युवा पढ़ाई करें और हम विश्वास दिलाते हैं। ये तो अभी 2 साल का कैलेंडर आया है, अभी कैलेंडर और भी आने वाला है। आप निश्चित रहिए, जो हमने वादा किया है एक एक वादे को हम पूरा करेंगे। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारे सफाई कर्मचारी बंधु विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, ऐसी स्थिति में उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना हमारा काम है कि हम उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें, उनको हम किट भी उपलब्ध कराएंगे जिस तरह का होगा, क्योंकि हम बिना संसाधन के काम करेंगे, कोई भी दिक्कत हो सकती है, हम संसाधन के रूप में काम करेंगे, जो भी आवश्यकता होगी उसको भी पूरा करेंगे, यह भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हमने कहा है आरडीएचएस के तहत फेफड़े किडनी और त्वचा से संबंधित बीमारियों को निःशुल्क इलाज की व्यवस्था कराएंगे, किसी भी तरह की बीमार होगी हम आपको निःशुल्क व्यवस्था कराएंगे, ये भी हमने कहा है। हमारे सफाई कर्मचारियों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी कराई जाएगी। भारत सरकार द्वारा कराए जाने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण में आप सफाई कर्मियों के सहयोग से हम अच्छा प्रदर्शन करें, इसके लिए भी आप सभी से मैं सहयोग की अपील करता हूं। आपके इस योगदान को प्रदेशवासी कभी नहीं भूलेंगे। मैं आप अपना सेवा भाव आगे बनाए रखें, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी सरकार हमेशा आपके साथ है, किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अंत में मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आपने देखा होगा कि हमने जो हमारे संकल्प पत्र में जो वायदे किए हैं, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं आप सभी लोगों से, क्योंकि हम भी इस देश के प्रदेश के एक नागरिक होने के नाते हमारे कर्तव्य का भी ध्यान हमको रखना है। हम हमारे राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना है, हमारे भारत देश को विकसित भारत बनाना है और हमारा योगदान हर क्षेत्र में हो, हर जगह हमारा योगदान हो, इसकी हमें सोच बनानी है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस तरह से स्वागत और सम्मान का कार्यक्रम रखा है, निश्चित रूप से स्वागत और सम्मान के लायक आप सभी लोग हैं,
मैं राजस्थान सरकार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप एक अच्छे नागरिक की तरह हम अपने कर्तव्य को निभाएंगे, देश को मजबूत बनाएंगे, देश को स्वच्छ बनाएंगे, देश को स्वस्थ बनाएंगे। इस आशा और उम्मीद के साथ आप सभी लोगों ने मेरा यह कार्यक्रम रखा। पुणे में सभी आयोजकों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। एक एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि कालीचरण जी ने कहा था कि बच्चों की पढ़ाई के लिए आप चिंता मत करिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप हॉस्टल बनवाएंगे, राजस्थान सरकार आपको जमीन उपलब्ध कराएगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक नवजी महाराज का पैनोरमा काफी लंबे समय से मांग चल रही है। हमारे वो संत हैं और संत भी ऐसे हैं कि उनका स्थान जो हमारे महाराज जी हैं मेरे को बता रहे थे, सुनील महाराज जी मैं कहना चाहता हूं आराम से निश्चिंत रहिए, मैं आज ही इलाका वजह को नोट करा दूंगा और हम मां नवन जी महाराज जी का मां एरोमा बनाएंगे, आप निश्चिंत रहें। जो भी कहता मैं आपसे अंत में इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों कि आप निश्चिंत रहें, आप खुले मन से राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। और कभी कभी लोग ऐसे आ जाते हैं जो किसी तरह से बहकाने का काम करते हैं, किसी तरह से इस तरह की बात करते हैं, उनके बहकाने में नहीं आना है, उनसे पूछ लेना है कि तुमने क्या क्या किया। कालीचरण जी अभी बता रहे थे कि हमने कितना कितना किया है, कब कब आवश्यकता हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा आपके साथ रही है, आगे भी है, किसी तरह की चिंता नहीं करनी है। आइए हम और आप सब मिलकर के इस राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएं, उत्कृष्ट राजस्थान बनाएं, इस आशा और विश्वास के साथ।